स्वामी जी हमारे भारत को कई बार समय समय पर कई लोगों ने लूटा, आज क्या स्वामी जी जो हालात देश में देखे जा रहे हैं, संतों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, संतों के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, क्या लगता है स्वामी जी आपको? ऐसा है, ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। जैसे आपने कहा कि तमाम बार जो है आतताइयों ने आके देश को लूटा है, आज ये जितने भी नेता हैं, नेता लोग आज अपना अपना घर भर रहे हैं, हिंदू जनता को बांटो और राज करो। लेकिन स्वामी जी, जो बाहर की विदेशी ताकतें हैं, आखिर वो भी तो अपने नेताओं के तहत ही काम करती हैं, तो क्या नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनके कठपुतलियाँ बन? नहीं, बिल्कुल समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्हें राज करना है। चाहे जो भी सरकारें हों, वे देश में, वही हमने कहा ना कि हिंदुओं को बांटो और राज। अभी स्वामी जी जिस तरीके से संतों की छवि पर प्रहार किए जा रहे हैं, 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू हैं, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है स्वामी जी? ये बिल्कुल ही जो सरकार ने, उस समय की सरकार ने जो ये कानून, पोस्को कानून बनाया था, जिसके तहत माननीय आदरणीय बापू जी को उसका उनको ऊपर टारगेट किया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम जानते हैं 80 साल के माननीय हमारे जो संत आसाराम बापू जी हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? ये तो उसी प्रकार से है कि झूठ बोलो और उसे राज करो। स्वामी जी, मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि दिल्ली में FIR लिखवाई गई पॉक्सो एक्ट के तहत, और केस जोधपुर में चल रहा है। जो FIR लिखवाई गई वो कल्पना NGO ने लड़की और उसके माँ बाप का सहारा लेकर FIR लिखवाई, जबकि वो NGO का क्षेत्र दिल्ली नहीं है, फिर भी वो आई, FIR लिखवाई, वहाँ से गायब हो गई। ये तो स्वामी जी ऐसा लगता है जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो कल्पना कोई NGO है, वो बाहर की है, वो दिल्ली में बैठ करके उसके लड़की के माँ बाप को साथ लेके, सहयोग लेके ये झूठे केस जो बनाए गए हैं, क्योंकि वो पोस्को कानून ही ऐसा है, वो कानून ही ऐसा बनाया गया है कि ये संतों को टारगेट करो। क्योंकि अभी इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य के ऊपर भी कुछ इसी तरह के कानून बनाए गए थे, और जितने भी मीडिया वाले जो ये बाहर के विदेशी ताकतें हैं, उसको सिद्ध करने के लिए उनके ऊपर तमाम झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन कुछ निकला नहीं। और जैन सरस्वती जिस तरह से बेदाग छूट गए, हम जानते हैं हमारे बापूजी भी बेदाग छूटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वामी जी, जो हालात क्रिएट हो रहे हैं, हमारे भारत में इतने संगठन हैं, संत हैं, शंकराचार्य हैं, जगतगुरु हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सारे संतों को बापू जी के समर्थन में आगे आना चाहिए, और आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे जो कानून बने हैं, वो कानून को हम ये चाहेंगे कि हमारी जो अभी सरकार है वो उसको ख़त्म करे या उसमें सुधार करे। माननीय बापू जी के ऊपर जो इस तरह के केस दर्ज हुआ है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे बेदाग छूटें, और हमारे और तमाम जो संत हैं वे आगे आकर के इसका विरोध करें, इस कानून का, क्योंकि आने वाला दिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन संतों को टारगेट किया जाता है जिनकी लोकप्रियता बढ़ती है, और उस लोकप्रियता के डर से सरकारें जो है उनके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाती है, कानून के तहत गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद भी जब आरोप सिद्ध नहीं कर पाती तो कह देते हैं ये तो होता रहता है, ये गलत है। हम भगवान श्री मन्नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान आ करके बापूजी को जो इस तरह से झूठे केस में फंसाया गया है उस पे वो निजात पाएं, और बेदाग छूट करके फिर जनता की सेवा करें, और उसी तरह से
हम सारे संतों का मार्गदर्शन करें।